को अपन ये स्थगन पहले आप बोलेंगे या स्थगन के बाद? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पिछले कुछ दिनों से लगातार सदन के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है उनकी ओर अवगत कराना चाहूंगा। सत्र जब शुरू हुआ तो बाहर मीडिया ने हमसे पूछा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, विपक्ष हल्ला करेगा या सत्ता पक्ष को कोऑपरेट करेगा। मैंने पहले दिन ये कहा था कि जहां सत्ता पक्ष सदन को अच्छे से चलाना चाहेगा तो हम कोऑपरेट करेंगे। हम कोई सत्ता पक्ष के दुश्मन नहीं है। संविधान के अंदर हमारी जिम्मेदारी तय की गई है, विधानसभा के नियम प्रक्रिया के अंदर हमारी जिम्मेदारी तय की गई है और यह हमारा अधिकार है कि प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम मंत्रियों से सरकार से क्वेश्चन करें। और लगातार जिस प्रकार का आचरण मिनिस्टर्स के द्वारा, विधायकों के द्वारा जो किया जा रहा है, हम क्वेश्चन कुछ लगाते हैं जवाब कुछ आता है, हम सवाल पूछते हैं, नेता प्रतिपक्ष चाहे मैं हूं या मेरे से पहले कोई भी रहा हो, हर नेता प्रतिपक्ष को यह व्यवस्था दी गई है कि वो हर प्रश्न में प्रश्न पूछ सकता है। मैं हर प्रश्न में नहीं पूछता, पूछना भी नहीं चाहिए, खुद की गरिमा है। लेकिन मान लो जब हम पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं आए, मंत्री की ये इतना भी उसका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर कोई बात कहता है तो एक मिनट बैठ जाए। मैं विधायक भी रहा हूं, राज्य मंत्री भी रहा हूं, कैबिनेट मंत्री भी रहा हूं, यहां से महामहिम आज कटारिया जी जो कि आसाम के राज्यपाल हैं, वो जैसे खड़े होते दम बैठ जाते, वो सम्मान उस पद का है। और हम कोई बात कहते हैं वो आपके सामने ये भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। कल जिस प्रकार की घटना हुई और ये लगातार मैं देख रहा हूं, अध्यक्ष जी आपका जो झुकाव है वो हमारी तरफ ज्यादा होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, सदन की परंपराएं, पर आपका झुकाव 55 तो वो परसेंटेज तो छोड़िए, पर आपका झुकाव उधर रहता है। हम कोई सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तो जा नहीं सकते, हम अपनी बात आपको ही कह सकते हैं, आपका ही संरक्षण चाहते हैं। कल जिस प्रकार का वक्तव्य मंत्री जी ने दिया, हम पूरे तो मैं भी उत्तर दूंगा आपके, हम व्यवस्था के अंदर, हम व्यवस्था के अंदर, फिर बोलोगे तो फिर कोई माननीय माननीय रफी खान अध्यक्ष जी, मैं फिर बोलोगे तो फिर मैं बैठा दूंगा अध्यक्ष जी, जब आप, ये मेरा काम है। अब वही बात है, वो पहले जिसने शुरुआत की उसको नहीं डांटा, शुरुआत ऐसा नहीं है, जिसने शुरुआत की उसको नहीं डांटा, उसको जो बीच में डिस्टर्ब करता है उसको नहीं डांटते हो। सदन पर आक्षेप, आसन पर आक्षेप नहीं, कल भी आपने कहीं लगाए, उसकी चर्चा आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा आपसे। अब ये तो सब पूरा सदन देख रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ उधर से बोल रहा है, जब हमारे सदन में वो फिर खड़े, वो खड़े आपके सामने, मैं चर्चा नहीं होगी, आपके कितने लोग बोल रहे हैं, आप पीछे देखो मुड़ के, आप पीछे 15 लोग बोल रहे हैं, शुरुआत उधर से होती है। वो आपका बोलने का अवसर दूंगा अध्यक्ष जी, जब भी मैं बोलता हूं उधर से टोकते हैं, फिर हमारे सदस्य खड़े होते हैं, फिर आप इन्हीं को डांटते हैं। आप जो शुरुआत जो करता है जिसकी वजह से व्यवधान होता है उसको नहीं डांटते, उसको आप डांटिए। हम आपसे नहीं कहे तो किससे कहें? कल जिस प्रकार का अब शब्दों का प्रयोग, असंसदीय शब्दों का प्रयोग यहां पे किया गया, हम सिर्फ अपनी बात रखे और उसको एक्सपेंस कराना चाहते थे, आपके द्वारा व्यवस्था नहीं दी गई। हम क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा को, कि किस प्रकार के वक्तव्य यहाँ के मिनिस्टर बार बार दे रहे हैं, कोई बाहर दे रहा है, कोई यहां दे रहा है, कोई विधायक कुछ बोल रहा है, गांधी जी के बारे में बोल रहे, राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे, जो मर्जी जो बोल रहे, इस प्रकार की चीजें अध्यक्ष जी, हम आपके
रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, आसन का सम्मान करते हैं, पर हम चाहते हैं कि आसन दोनों पक्षों को बराबरी से रखे। आज जिस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, कल बिजली के अंदर क्या स्थिति थी, मंत्री जवाब दे रहा है कि 19 में यह था, 20 में यह था, हम वो नहीं चाहते, हम अपनी बात रख रहे हैं। मंत्री कहे कि आज ये स्थिति है, हम बिजली दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो इस प्रकार की स्थिति जो है उस पे हम चाहते हैं, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, आप व्यवस्था दीजिए। माननीय संसदीय मंत्री जी, हम सभी सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत ही हृदय से सम्मान, आदर और रिगार्ड करते हैं। हमारा आपसे पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है, हमारे राजस्थान विधानसभा की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही है, चाहे परशुराम जी हो, भैरव सिंह जी हो, या उससे पहले हो या उसके बाद में हो, और अंतिम रूप में जैसा आपने उल्लेख किया माननीय महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया विषय हो, मैं आज पुनः मेरे सत्ता पक्ष की ओर से आपको दोहराता हूँ, कृपया आप खड़े होते तो हमारा दिल से हृदय से हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई बात कहें, लेकिन बार बार ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, हर बात में खड़े हो जाते हैं, तो हम आपका वो सम्मान नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप तब भी खड़े होवे जब बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय हो, सुनिए ना, आपका खड़ा होना बहुत जरूरी हो, ये फैसला मैं करूंगा, आप सुनिए तो सही। और आप ऐसे नोट करना, ऐसे ऐसे जब भी कोई विषय आवे और इस स्वस्थ परंपराओं को कायम रखने के लिए विषय आवे तो आप अवश्य खड़े हों, और आप जब भी कहेंगे हमारा सत्ता पक्ष आपका मान और सम्मान करेगा। हमारी पुनः रिक्वेस्ट है कि हर विषय में अनावश्यक रूप से खड़े होते हैं उतना सम्मान ही हो जाए। आज सत्ता पक्ष में आप है, मेरा निवेदन आपसे है, आपका सत्ता पक्ष के आप मुखिया है, सॉरी प्रतिपक्ष के आप मुखिया है, तो आप अपने सदस्य को भी कहें, मैं हम सभी साथी भी हम आप मानते हैं कि हम आपका रिगार्ड करें, आपके रिगार्ड में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरा एक नम्रता से निवेदन है कि ये विक्रमादित्य का आसन है, इस पर जो भी बैठता है उसकी निगाह सबके लिए बराबर होती है, और आज तक हमने ये फील किया है कि विक्रमादित्य के आसन से, माननीय अध्यक्ष के आसन से किसी का कोई न तो पक्ष किया गया है ना कोई नापक्ष किया गया है, यथासंभव सबके साथ न्याय करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, ऐसा हमने फील किया है। उल्टा हमको कभी कभी हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि माननीय स्पीकर साहब थोड़ा सा संरक्षण देते, हम उनको कहते हैं कि ठीक है, प्रतिपक्ष के साथी है, उनको विधानसभा में अपनी बात रखने का अधिकार है, और हम सत्ता पक्ष में हैं, हम अपनी बात और कहीं भी कह सकते हैं, उनको कहने का प्लेटफार्म यही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आसन पर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करें। कल अमर्यादित शब्दों का आपकी ओर से प्रयोग किया गया था आसन के लिए, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आसन के संबंध में कोई भी अमर्यादित शब्द न हम कहें और न आप कहें, आसन की गरिमा आप और हम दोनों मिलकर रखेंगे तभी रहेगी, और हम गरिमा नहीं रखेंगे तो आसन की गरिमा नहीं रहेगी। मेरा निवेदन है पूर्ण निम्रता सभी माननीय सदस्यों, हम सब का लक्ष्य एक है, हमें अपनी अपनी विधानसभा में हजारों मतदाताओं ने हमको इसलिए भेजा है कि हम उनका आईना बने, हम उनकी बात विधानसभा में रखें। दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये है, आपने ये कहा कि मंत्री पूरे जवाब नहीं देते हैं, ये कथन आपका असत्य है, हमारे सभी मंत्री जो प्रश्न पूछा जाता है अनुकूल रूप से पूरा जवाब देते हैं, आप जितनी सामग्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछते हैं उसका पूरा जवाब देते हैं, और कभी भी आपको कोई भी हंट करने का प्रयास नहीं करते हैं, आप स्वयं कोई न कोई अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं तो कभी कोई विवाद होता है, इसलिए हमारे मंत्रियों के संबंध में भी आपने जो बात कही है वो सत्य नहीं है, हमारे सभी मंत्री तैयार हैं, पूर्ण तैयारी के साथ आते हैं, पूरा जवाब देते हैं, और आप जो भी चाहते हैं वो सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, हाथों हाथी। इसलिए आपका ये कहना कि मंत्री तैयार होकर नहीं आते, ये व्यवहार भी ठीक है, हमारे सदस्यों के व्यवहार के संबंध में भी आपने कहा, मेरा नम्रता से निवेदन है सत्ता पक्ष के जितने भी मेरे सदस्य हैं वो अपनी मर्यादा में हैं, सीमाओं में हैं, अपने मर्यादा और सीमाओं में रह के अपनी बात कहते हैं, हम सब प्रयास करें कोई उत्तेजना की क्षण नहीं आवे, न आपको कहना पड़े और न उनका कहना पड़े, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही साथ कल का जो आपने कहा राहुल गांधी जी का नाम, हम कोई सदस्य नहीं चाहता, किसी का जो हमारे सदन का सदस्य नहीं उसका कोई नाम हम नहीं लेना चाहते और ना हमारा कोई उद्देश्य कभी होता है। अब समसामयिक कोई बात आती है, दृष्टांत आता है और उससे संबंधित कोई बात आती है तो उसके संबंध में अवश्य नहीं कहा जाता है। आइए हम और मिलकर इस राजस्थान की विधानसभा की नई और परंपराएं, स्वस्थ परंपराएं कायम करें, हमारे जनता की जो अपेक्षाएं हैं जिसके लिए हमको भेजा है उसके लिए आप पुनः आग्रह करता हूं मैं सभी माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से
और विशेष रूप से आप प्रतिपक्ष के नेता से कि आप अपनी गरिमा को बनाएंगे तो हम आपकी गरिमा को कायम रखने में पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा कोई करेंगे तो फिर हम उतनी गरिमा नहीं रख पाएंगे। पुनः आग्रह है कि विक्रमादित्य के आसन पर कोई आक्षेप नहीं लगावे और मर्यादित टिप्पणी नहीं करें, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। और क्या बोलना है जी? जिस प्रकार से वापिस गेंद हमारे पाले में डाल रहे हैं, ये तो आपको ही देखना है। मैं देखा, यानी 70 लोगों की आवाज मैं नहीं उठाऊं, 70 लोगों में किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, उनकी तरफ से मैं बात रखता हूं, यानी कोई आपसे पूछे ही नहीं, जो मर्जी आप बोलो आपका जवाब ही नहीं मांगे, ये कैसे हो सकता है? आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लेना। मैंने परसों जरूर कल जरूर मजाक में कह दिया था कि किरोड़ी जी का इस्तीफा हुआ है नहीं, वो मैंने मजाक में कहा था, उसका अगर लगता है हल्का फुल्का मजाक इसमें चलना भी चाहिए। बाकी एक भी दिन, एक भी वर्ड, एक भी शब्द मैंने गरिमा के खिलाफ कहा हो तो आप बता सकते हैं? कल शुरुआत किसने की? कल शुरुआत किसने की और किस प्रकार के शब्द कहे, उस पर क्या व्यवस्था दी गई, इस पर अध्यक्ष जी आप बता दीजिए। हो गया, आप ऐसे कोई बोल, चलिए साहब कोई बोला क्या? सचेता के अलावा कोई नहीं? सचेता का माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की भावना को बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, आपका सम्मान रहना भी चाहिए और हम रखते भी हैं, कोशिश पूरी करते हैं, और कभी कभार कोई उत्तेजना में कुछ हो जाए। बाकी मैं सत्ता पक्ष की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारा कोई भी सदस्य आपके प्रति असम्मान जैसी कोई स्थिति नहीं पैदा करेगा। रही बात कल की, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, देखी है, और मुझे भी अवगत करवाया अध्यक्ष महोदय ने, और उसमें जैसा आप कह रहे हैं असंसदीय शब्द या कोई अपमानजनक शब्द, ऐसा कुछ भी नहीं निकला उसमें से, इसलिए उसमें वो अन्यथा उसमें ज़रूर अध्यक्ष महोदय एक्सपेंस कर सकते थे और अब भी वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, बार बार आप लोग जो अध्यक्ष आसन पर जो छिटाकशी करते हैं या उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय के आप कह रहे हैं बार बार इधर वाली हलचल दिखाई देती है, वो इसलिए होती है क्योंकि अध्यक्ष महोदय के आसन की कृपा दृष्टि आप लोगों पर ज़्यादा है, हम तो उनके नज़र पाने को तरस जाते हैं, उधर ही देखते हैं वो, इसलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए उसका नेता नहीं ले। और मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ आपको, यदि कुछ गलत उसमें होता तो ज़रूर एक्सप्लेन किया जाता, लेकिन उसमें एक शब्द भी गलत नहीं पाया गया जैसा मेरी जानकारी में आया। बाकी तो आसन अध्यक्ष जो आज का अधिकार स्वीकार होगी। बीच वाला भी कोई बोल, मिनट लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इधर सत्ता पक्ष है, इधर विपक्ष है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम 70 लोग हैं, हालांकि इनके 3 लोग कम हो गए और इधर पूरे 115 हैं, लेकिन उसके अलावा भी 14 लोग और बैठे हैं, कुछ एक एक दल के हैं, 3 ऐसे हैं जो 3 हैं, बाकी 8 हम निर्दलीय हैं। तो हमारा निवेदन यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्रीगण बहुत अच्छे लोग हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब हम तारांकित हो रहे हैं तारांकित हमारे क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरा भी इस हाउस का अनुभव है मंत्री के रूप में 10 साल का, इनके जो जवाब आते हैं जो अधिकारी भेजते हैं उसको अक्सर से उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मेरे पास अब तक 19 सवालों के जवाब आए, 17 मैं आपके पास खुद प्रस्तुत करूँगा, मतलब इतने गलत जवाब दिए गए हैं कि या तो जानबूझ करके इनको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या ये पढ़ नहीं रहे। कुछ मंत्रियों के अच्छे जवाब भी आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, उन्होंने मेरे को आज जो सुबह सुबह सवाल का उत्तर मिला वो बहुत अच्छा था। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह रहेगा कि जब सरकार से कोई भी सवाल पूछें तो उसको माननीय मंत्रीगण अध्ययन करके उसका जवाब दें, ये आग्रह है मेरा, कोई आरोप नहीं है। और दूसरा ये है कि मेरा आरोप नहीं है सर, आग्रह है सर, आग्रह हाथ जोड़ कर, आग्रह है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। तो दूसरा निवेदन ये है कि हम जो 14 लोग बैठे हैं इनको भी कभी कभी आप समय दे दीजिए, क्योंकि इधर भी 67 लोग हैं, इधर 115 हैं, इनके पास ताकत है और हमारे पास संख्या बल कम है, लेकिन हम भी किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए हमारे को थोड़ा सा समय आप बोलने का दें, इतना ही आग्रह रहेगा। धन्यवाद सर। एक्सप्रेशन रहेगा, इन्होंने मंत्रियों पर आरोप लगाए, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। हमारे सभी मंत्री जो भी प्रश्न आता है
जो प्रश्न का उत्तर विभाग से आता है उसकी पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के जवाब देते हैं। अब आपके मन में मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होने की नाराजगी है, अभी इस मुद्दे पे नहीं है, इस मुद्दे में नहीं, बाकी तो बोलिए ना। लेकिन हमारे सभी मंत्री पूर्ण रूप से तैयारी के साथ समसामयिक जवाब देते हैं जो तथ्यों पर आधारित होता है। आपका ये चीज है वो पूर्ण रूप से गलत है। माननीय मंत्री जी, मैंने अभी नो बाद में, माननीय आप बैठिए, मुझे व्यवस्था दे, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आप भी विपक्ष के नेता, आपके उसे नेता ने बोल लिया, विपक्ष के नेता संसदीय मंत्री जी और एकाध सदस्य ने जो अपना विषय रखा, यह सदन बहुत ही पवित्र सदन है। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहाँ पर चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं उतना शायद। उन्होंने सदन की रखी है, लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत, आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र है, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है, मैं पीड़ा से कह रहा हूं और आप कह रहे हैं कि डर के बोलते हैं, दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं। मैंने दोनों को बराबरी टोका, यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारे सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है, फिर भी आप यहां पे सदन में आए। और कल मैंने केवल एक बात बिल्कुल कही, इस समय जो आज आपके जो आपत्ति थी जिस पे, मैंने कहा कल इस पर हम आपके साथ बैठ करके, कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी आप यहां पे आ गए, पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया, वो भी आ गए। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो, नारे लगाते विपक्ष लगाता है, लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किए गए, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो, मुझे पद का मोह नहीं है, ये बात स्पष्ट सुन लो। जब तक यहां पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा, इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं, ये सदन की कार्रवाई चले, आज महत्वपूर्ण डिमांड है। इसे जीरो आवर के बाद आप और संसदीय मंत्री और सचेतक तीनों आ जाइए कमरे में, कल की मैं सारी जो स्क्रिप्ट है मंगवाएंगे। कोई भी असंसदीय या अवैधानिक या ऐसी कोई बात होगी उसे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई में विचार करेंगे। धन्यवाद। अब आगे कार्रवाई शुरू करें। आपने जो कहा आपका हक है, आप हमें जो कह सकते हैं। रही बात या कार्रवाई की, इतनी सी बात थी, हमने कहा कि हम हमारा पक्ष रखते हैं, जो गलत आप उसको मना कर दीजिए। और जो अखबारों में जो छपाए, यही बात हम रात को कह रहे थे, उसी समय एक्सपेंज हो जाए तो अखबारों में नहीं छपे। नहीं, क्या इसके मतलब आप धृतराष्ट्र कहोगे? हम अगले दिन क्या विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र कहेगा? बताइए, कोई भी सदन का सदस्य कह दे, बाहर का कोई कह दे, क्या इसके बाद कोई भी यदि विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र शब्द का शासन के लिए उपयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको माफी मांगनी चाहिए। तमाशा हो गया अध्यक्ष जी, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आपके उस समय मैं साथ में आपके मंत्री जी तक सारे सदस्य चले जाते हैं, क्या गरिमा थी? उसके पहले एक महिला सदस्य चली जाती है, उसके बाद सदस्य जाते हैं, यानी ये सदन के उस दिन आप सब लोगों के सहयोग से सदन की गरिमा तार तार नहीं हुई। आज तक किसी सदस्य के पास, मंत्री जी के पास चले जाएं और बाद में व्यक्तिगत तो कहते हैं, लेकिन सदन की गरिमा तो भंग हो गई। क्या उसके लिए आपने डांटा? कौन गए? कई पक्ष नेता तो नहीं गए? पक्ष लोग गए, विपक्ष गए, तो यह विपक्ष नेताओं पे आपका नियंत्रण आप पूरा रखिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और विपक्ष नेता आप लोगों ने चुना है, इस पे विश्वास रखिए, उनके जो कहते हैं, मैं इनकी बात आपके जब स्थगन होते हैं तो भी आपको याद करता हूं, जिसका ये कहते हैं राय से करते हैं, इतना सम्मान देने के बाद भी, उसके बाद भी यदि विपक्ष पर आरोप लगाए तो मैं समझता हूं फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डाइल्यूट होकर के सबके सहयोग करूं, उसके बाद भी यदि आरोप लगे तो फिर तो आरोप लगाते रहिए, मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, इन आरोपों की निंदा करता हूं। जी,
आसन है, आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे, आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, यहाँ प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत सब थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा पता। आपके सामने आप आसन पे थे, आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या, आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी, ये भी मैं कहना चाहूंगा। लेकर आपको चुनौती देता हूं, लेकर के आइए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। हिम्मत है तो लाइए, फिर वही बात, हिम्मत है तो लाइए। आपको बात सुननी पड़ेगी आसन के ऊपर, इससे पहले कभी गलत तरीका, ये गलत तरीका। 5 साल हम भी विपक्ष में रहे थे, आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। साहब कैसा व्यवहार हुआ था, हम 5 साल विपक्ष के अंदर थे, हमारी सीट पे हम बैठे थे, हमारे साथ मानी जी आपको आसन का प्रतिनिधित्व करते हुए हम बैठे थे 5 साल विपक्ष के अंदर, हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था, हमारे साथ कैसा, हम जानते। 5 साल विपक्ष में हम भी रहे थे, हम भी रहे थे।